खमा गणिसा जयमा करनी री सा किया नो जयमा करनी री सा। आज दीतवार है, मैं सोची थोड़ा घो लाइव आ जाऊं, थासा जनाऊ, पंचायती कर लूं थोड़ी सी। खमा गणिसा, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मावड़ी की मेहर ऐसा, मावड़ी री मेहर ऐसा, और मारे सागर सागर थासा जना पर बनी रही है मावड़ी री मेहर। नवरात्रा रा दिन चल रहा है बार, मावड़ी री मेहर ऐसा। जय माँ करनी री सा, खमा गणिसा, जय तेजल सरकार री। हाँ सा बिल्कुल, जय हो तेजल जी महाराज की जय। खमा गणिसा, जय माँ करनी री सा, जय माँ करनी। क्या नो अस थोड़ो घणो दीतवार हो, बयान तो टाइम धर्मा ही को नहीं दीतवार वाले दिन, लेकिन फिर भी मैं सोची कि मैंने आप सभी हूँ बात करें, घना दिन होगा तो थोड़ो सो लाइव आ गई, मतलब बहुत दिन हो गए आप सभी से बात की हुई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइव आ जाती है, थोड़ा सा मीन्स की मतलब थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कन्नी फैशन के बारे में आप सभी से, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते, एक्चुअली बहुत सारे, मैं बता रही हूँ ना, आप सभी मेरे को भर भर के बहुत सारा प्यार करते हैं, और कन्नी फैशन को तो मतलब लाइक मतलब कहाँ थी कन्नी फैशन और उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो सब आपकी वजह से हुआ है, आप सभी की वजह से हुआ है, और मावड़ी की मेहर तो है ही सा, लेकिन मतलब काफ़ी सारे जैसे जो वेबसाइट थी उस पर भी आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं तो वो बहुत सारे बल्क में मैसेज होते हैं, उसके लिए मैं एक बहुत बेस्ट ऑप्शन अभी थोड़े दिन में करने वाली हूँ, बट थोड़ा सा टाइम होगा। आई नो बहुत प्रॉब्लम होती है आप सभी को, बट उसके लिए मैं बिल्कुल दिल से कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, तो बस थोड़े से दिन और बिल्कुल सब कुछ मैं नॉर्मल कर दूँगी अभी। जय माँ गणी री सा, आपका कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के आशीर्वाद से, बाकी भौंकने वाले बहुत हैं पीछे से आगे से नहीं। मावड़ी री मैं ऐसा, आप रिप्लाई नहीं करते। हाँ प्रॉब्लम यही है, मैंने कहा ना हुकम कि अब बहुत सारे मैसेजेस होते हैं आप सभी के, तो मतलब वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, इसके लिए मैंने वेबसाइट भी जनरेट की, बट वेबसाइट पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, सो मतलब चीज़ें बस थोड़ा सा वो घिचपिच होता है ना, वैसा वाला सीन हो गया। आपका टीका बहुत अच्छा लगता है, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है तिलक, इससे एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर होती है, और मेरे आसपास के माहौल में भी फिर वो चीज़ जनरेट होती है। जय माँ करनी री सा, जय माँ करनी। जयपुर, जयपुर के अलावा कहाँ है शब्द को? मेरी शॉप जयपुर में ही है, जयपुर में दो ब्रांच है, जयपुर में कालवाड रोड प्रताप सर्किल पे है, एंड द सेकंड वन वैशाली में मॉल ऑफ जयपुर में है। मावड़ी और आप सभी के सपोर्ट से तो भी दो जगह है, और अगर पॉसिबल हुआ तो हाँ मैं बाकी जगह भी ओपन करवाऊंगी। जय माँ करनी री सा, जय माँ करनी। तो अगर मैं अपने प्रिंट्स के बारे में बताऊं तो आज ही अपने पास में और भी काफ़ी सारे न्यू प्रिंट्स आ चुके हैं, हाफ स्लीव्स और फुल स्लीव्स में बहुत ही प्यारी न्यू डिज़ाइन आई है, और आप लोगों को पता है कि मतलब प्रिंट्स अपने बिल्कुल अलग होते हैं, कुछ एक प्रिंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी लोगों से मिक्स मैच हो जाते हैं, बट क्वालिटी मैं आप लोगों को बेस्ट दूंगी, बेस्ट क्वालिटी के साथ में, बेस्ट प्रिंट के साथ में, और काफ़ी प्यारे आर्टिकल, तो बहुत सारे न्यू आर्टिकल्स, कम से कम 20 से 25 न्यू प्रिंट्स अपने पास में आई है हाफ स्लीव्स और फुल स्लीव्स में, मैं काफ़ी जल्दी उनका अपडेट आप सभी को दूंगी, तो आप लोग शॉप पर विजिट कर सकते हैं परचेसिंग के लिए, ऑब्वियसली मैं आप लोगों को मिलूंगी। और मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई साहब वो आप जो वो साफा जैसा कुछ पहनाते हैं वो क्या तरीका है, मतलब वो क्या करते हैं आप, ऐसा कुछ ऐसा, तो वो एक नॉर्मली एक स्वागत का तरीका है एक कन्नी फैशन का, कि मतलब आप लोग मेरे पास पधारते हैं ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और कस्टमर मेरे लिए भगवान की तरह है, तो मतलब लाइक उनका छोटा सा, हालांकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों का आदर सत्कार कर सकूँ, बट हाँ एक छोटा सा एक सत्कार का तरीका होता है, एक माता रानी की फ़ोटो है, माता रानी की फ़ोटो वो तो बहुत बड़े हैं, सभी के दिलों पे राज करते हैं, मावड़ी की मेहर तो सभी जगह है, हम तो उनको मतलब देने के लायक भी नहीं है, बट एक छोटा सा सत्कार होता है वो शॉप पे बधाने वाले सभी मेरे भगवान रूपी कस्टमर्स के लिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल बिलीव, होप विथ करनी फैशन। जय माँ करनी री सा, जय माँ करनी। आपकी स्माइल कितनी क्यूट है, हाँ दिल से हंसना चाहिए इंसान को ना, अपन दिल से हंसते ना, हम सब सभी की स्माइल बहुत क्यूट होती है।
तो बस ये मेरे को बताना था कि बहुत ही सारे नए प्रिंट्स अपने पास में आ चुके हैं आज. हाफ स्लीव्स और फुल स्लीव्स में बहुत ही प्यारे न्यू प्रिंट्स अभी आए हैं. साइज इस बार आप लोगों को M to 3XL में मिलने वाले हैं, मतलब एक साइज हम लोगों ने और इंक्रीज करी है. बीच में मैंने 2XL तक किया था बट बहुत ज़्यादा डिमांड थी आउट ऑफ जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, बैंगलोर हुआ, इस साइड से काफ़ी मतलब लाइक 3XL की काफ़ी ज़्यादा मेरे को डिमांड थी क्योंकि स्टैंडर्ड साइज वहाँ काफ़ी अच्छी चलती है. सो इस बार 3XL में भी अपने पास में आर्टिकल्स अवेलेबल है और स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल है. आप राजपूती ड्रेसेस भी सेल करती क्या? जी बिल्कुल, मेरी जो मदर है उनका राजपूती ड्रेसेस का ही वर्क है और उसी भी मतलब मैं और मम्मी संभालते हैं, तो अपने पास में राजपूती ड्रेसेस भी अवेलेबल है बट वो ओनली कालवाड रोड वाला जो ब्रांच है उसी पे अवेलेबल है. आपकी आँखें सो क्यूट. हाँ मैंने काजल लगा रखा है, मुझे काजल बहुत पसंद है. क्या होता है काजल से ना आँखें बहुत बड़ी बड़ी लगती है और कुछ लोग कहते हैं कि नज़र भी नहीं लगती है. मेरे को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है तो इसलिए काजल लगाती हूँ, तो काजल लगाने से नज़र नहीं लगती है. जय माँ करनी री सा, जय माँ करनी, जय माँ करनी. अगर मुझे आपके यहाँ से शर्ट ऑर्डर करना है तो कैसे करेंगे? कोई बिल्कुल अपनी एक वेबसाइट है karnifashions.com के नाम से, वहाँ से आपको आप ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं. अपने व्हाट्सअप नंबर हम लोगों ने सभी जगह स्प्रेड कर रखे हैं, वहाँ से अपना आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं. और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोग कहीं भी हो आइए जयपुर में karnifashion से आप लोगों को बिल्कुल रंग बिरंगे अतरंगी कपड़े सांगानेर प्रिंट्स में जो आप चाहें, किड्स वियर में, लेडीज वियर में, जेंट्स वियर में, तीन तरह के होते हैं, तो आपको उन सभी के लिए यहाँ पे आपको कपड़े मिल जाएंगे सांगानेर प्रिंट में. किलर स्माइल है आपकी. हाँ होना चाहिए, सभी की स्माइल ऐसी होनी चाहिए. राम राम सा, राम राम सा, जय माँ करनी री सा, जय माँ करनी मावड़ी री, मेहरबानी रेवा सा आप सभी पर. और मैं कहना चाहूँगी मतलब फीडबैक मेरे हर वीडियो में ये मेरा होता है कि आपके पास जब भी पार्सल पहुँचे, हालांकि मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं और वो सारे तो मैं पोस्ट कर भी नहीं पाती हूँ, बट जितना पॉसिबल हो ना आप सभी से, जितने मतलब जो भी अब यहाँ से आप ऑनलाइन बुक करते हैं या फिर लेके जाते हैं ऑफलाइन स्टोर से लेके जाते हैं, तो जितना पॉसिबल हो ना मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मैं अपने काम में सुधार कर सकूँ. अब क्या मैं खुद एक माइंड मेरा एक अपन हम सबका मिलकर माइंड काम करेगा ना, तो हाँ एक हम सभी का मिलकर माइंड काम करेगा ना तो चीज़ें सुधरेगी. तो जितना आप मुझे बताएंगे, जितना आप मुझे चीज़ें सिखाएंगे ना, उससे मैं चीज़ें सुधारूंगी, जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ ना वो सब चीज़ें. तो जितना पॉसिबल हो सके ना उतना मुझे ना आप लोग फीडबैक दिया कीजिए कि आप लोगों को आर्टिकल कैसा लगा, उसमें क्या कमी है, मुझे क्या चेंजेस करनी चाहिए ना. वो मैं आपके थ्रू अभी तक भी जितने चेंजेस हुए हैं ना वो मैं एक नॉर्मल सॉरी कॉल आ गया था. वो एक नॉर्मल फोल्डिंग वाले शर्ट से अगर मैं एक अच्छी पैकिंग पाई हूँ ना तो वो आप सभी की वजह से आई हूँ, क्योंकि आप जैसे बहुत से ऐसे मेरी फैमिली कस्टमर्स अभी इस टाइम पे हैं जो कि मुझे बहुत सारी एडवाइस देते हैं, क्योंकि मैं उन सभी से छोटी हूँ और मुझे वो काफ़ी एडवाइस देते हैं कि रतन बेटा इस तरीके से करना चाहिए, रतन आप इस तरीके से करो, रतन इसमें ये चेंज करो, रतन इसमें ये चेंज करो, तो वो मैं चेंज करने के लिए रेडी हूँ. बट जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे, जब तक आप मुझे नहीं सिखाएंगे कि ये चीज़ गलत है, इसको इस तरीके से करो. इवन शॉप पे आने वाले बहुत से कस्टमर्स मुझसे एज में काफ़ी बड़े होते हैं, वो मुझे सिखा के जाते हैं कि बेटा देखो इस चीज़ को अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो आपके लिए सही होगा. और मुझे इतनी खुशी होती है कि लाइक आजकल के लोग तो अपनी फैमिली वालों को भी नहीं समझाते कि मतलब ऐसे करो ऐसे करो, और मुझे आप लोग इतनी दूर दूर से आते हैं मुझे समझाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे बताओ और जितना पॉसिबल उतना मुझे फीडबैक दिया करो ताकि मुझे चीज़ें समझ में आए कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है. बस हालांकि मुझसे जितना पॉसिबल होता है ना उतना मैं सही तरीके से करने की कोशिश करती हूँ मैं सारी चीज़ें. और मेरी आदत है मतलब सबसे पूछने की कि क्या इसमें से कौन सी चीज़ सही लग रही है, ये गलत है या फिर सही है, या फिर मुझे ये जो शर्ट है इसको किस तरीके से मतलब प्रिंट करवाना चाहिए, फिर चीज़ें पैकिंग वाली सारी चीज़ें मैं सबसे पूछ के करती हूँ. तो मुझे अच्छा लगता है कि एक तो एक अकेले का माइंड चलता है, एक बहुत सारे जनों का माइंड चलता है, तो वो चीज़ें बहुत सही जाती हैं. मतलब जय माँ करनी री सा. तो बहुत सारे न्यू प्रिंट्स आ चुके हैं और अपडेट मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी. बाकी आप लोग स्टोर पे विजिट कर सकते हैं. स्टोर पे विजिट करते हैं मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मतलब यार karnifashion. और karnifashion तो अभी लोगों के बीच में karnifashion भी ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या है, हालांकि मावड़ी का नाम तो बहुत ऊँचा है ऐसा, और मावड़ी का नाम यहाँ का है आप नहीं चलाना चाहते आप ही चालसी भाई बात है. तो मतलब मेरे लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है कि मतलब अगर मेरा कोई काम है ना तो मावड़ी के नाम से है. मुझे बहुत एक बहुत अंदर से प्राउड वाली फीलिंग आती है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो उसमें मेरी मावड़ी का नाम है, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से हम सब चल रहे हैं.
मावड़ी जी महर ऐसा हुकम मावड़ी जी महर ही ऐसा। ये बहुत अच्छी वाली वाइब शूट कंडीफेशन। हाँ बिल्कुल कंडीफेशन के साथ में बहुत अच्छी वाली वाइब आएगी। जयमा कंडीरी सा गॉड ब्लेस बेटा सदा खुश रहो। अच्छा लगता है जब जब मुझसे जो बड़े होते हैं ना जो एज में मुझसे काफी बड़े होते हैं जब वो आज मेरे पास में एक मतलब फैमिली कस्टमर्स थे वो उज्जैन महाकाल से आए थे मेरे पास में और वो जो मैं उनके देखना आपको एक मैं फोटो शेयर करूंगी। हाँ वीडियो भी मैंने बनाया वीडियो भी मैं शेयर करूंगी। वो है ना उज्जैन से आए थे महाकाल से आए थे मतलब वो जो मैं क्या कहूँ उनके बारे में वो अंकल थे मतलब एज में काफ़ी बड़े थे वो और है ना मतलब उनके साथ में उनके काफ़ी फैमिली मेम्बर्स थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब ये आपके वीडियोज़ देखते हैं है ना और इन्होंने हम लोग मतलब वो लोग जयपुर घूमने आए हुए थे यहाँ पे तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हम लोग जयपुर घूमने आए थे हमको 3-4 दिन हो गए लेकिन आज तो इन्होंने जिद्दी कर ली कि आज के दिन की शुरुआत ना मैं रतन बेटा के साथ में करूँगा मतलब कन्नी फैशन पे जाने के बाद ही आज के दिन की शुरुआत होगी। वो अभी शॉप पे आए और मतलब मेरा उन वो इतने इमोशनल हो गए थे मतलब उनकी आंखों में मैं आंसू देख सकती थी। आई डोंट नो व्हाई तो उन्होंने कहा कि एक अलग ही लगाव है उन्होंने मुझसे मतलब एक मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब भर भर के उनके मन में मेरी आशीर्वाद भरा हो और उनका मन चीख चीख के कह रहा हो कि बेटा तू बहुत आगे जाएगी तू बहुत आगे जाएगी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़ें कि बस हाँ कि मैं कर रही हूँ तो हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है सब कुछ सही जा रहा है। दीदी आपकी स्माइल बहुत ही बहुत दीदी आपकी स्माइल बहुत ही मन करता है आपको देखते ही बोलते हुए। मेरे को समझ में नहीं आया मतलब मेरी स्माइल बहुत अच्छी है और आपको मन करता है कि आप मुझे देखते रहो बोलते हुए। जामा करनी रही सा मैंने छोटे से लाइव के लिए बोला था मैंने बहुत बड़ा लाइव हो गया सो मतलब अब अपन थोड़े दिन बाद लाइव में मिलेंगे और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने पास में काफ़ी सारा न्यू स्टॉक आ चुका है आप सिलेक्स और फुल सिलेक्स में सो आप स्टोर भी विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन तो बुकिंग हो ही रही है और एक मैं बहुत एक और थोड़ा सा ईजी वे निकालने वाली हूँ मतलब ऑर्डर आप बुक कर सकते हैं उसमें सो बहुत जल्दी वो भी हो गया। सो थैंक यू सो मच जयमा करनी और इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट इस रतन पे बनाए रखना क्योंकि ये रतन मावड़ी और आपके बिना कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है तो वो आप सबके सपोर्ट से पॉसिबल हो पा रही है मावड़ी के आशीर्वाद से पॉसिबल हो पा रही है। मैं बस एक अपना काम करने का एक छोटा सा मेहनत कर रही हूँ और कर रही हूँ ठीक है जो चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है मुझसे उतना बाकी आप सभी अपना सपोर्ट मेरे साथ जरूर रखना। थैंक यू सो मच चश्मा लगा लेती हूँ ज़्यादा इनोसेंट लगती हूँ और ज़्यादा इनोसेंट लगती हूँ ना। थैंक यू सो मच जय माँ करनी सुख देणो दुख मेटणो हरी माँ करनी रो नाम चरण शरण ते चारणी थन पुनः पुनः करु प्रणाम आगे और काई किरणों सा। और हाँ इस पे और अपनी कंडी फैशन वाली आईडी 500K होने वाली है मतलब सीरियसली थोड़े से दिनों के अंदर अभी थोड़े से दिनों पहले 400K की हुई थी अभी थोड़े से दिनों बाद में 500K होने वाली है मात्र आज 490K हो गए है ना इस पे तो मतलब 500K अपनी फैमिली होने वाली है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं सोच रही हूँ कि 500K होने के बाद में मैं उसको कैसे सेलिब्रेट करूँ तो इसके आप लोग मेरे को बहुत सारे आइडिया देना कि जब अपनी कंडी फैशन जो फैमिली वो 500K हो जाती है तो मेरे उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करना है मेरे को क्या करना चाहिए मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हूँ। और अपनी जो ऑफिशियल आइडियाज पर भी 2 मिलियंस चलो ठीक है वो तो चल दो बट कंडी फैशन इज कमिंग सून 500K कमिंग सून होता है क्या कंडीफेशन इज कमिंग सून 500K बहुत जल्दी सो थैंक यू सो मच जयमा करनी बाय बाय टेक केयर।